कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ये जो लुक मैं क्रिएट की हूँ, ये जो गेटअप में ली हूँ, इसी बारे में ये वीडियो है? ये बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेरी जो दशहरा की लुक है, जैसे किस तरह से हम सब दशहरा में सजते संवरते हैं, हर किसी को शायद फेस्टिवल आने से एक महीने से पहले हम क्या पहने, क्या 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 मेकअप करें, ये सारी चीज की मतलब प्रिपरेशन चलती है। लेकिन एक चीज जो हम सब भूल जाते हैं, आई थिंक मैं भी भूल जाती हूँ, इसी साल मुझे ये बात रियलाइज हुई। तो जब मैं रियलाइज की, तब मैं सोची कि क्यों ना ये बात मैं आप सभी के साथ भी शेयर कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सी बात हम लोग भूल जाते हैं। दशहरा एक ऐसी फेस्टिवल है जो कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने के साथ साथ हम सबकी जिंदगी के लिए एक सीख है। जैसे भगवान राम ने रावण की वध कर इस दुनिया में धर्म को कायम की थी, ठीक उसी तरह ही हमारे अंदर जो बुराई है उसको हरा कर खुद की सच्चाई को हमें मजबूत करना है। दशहरा मीन्स ऐसे 10 चीजें जिसको हम हमारी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहिए, वो क्या है? तो सबसे नंबर 1 में आती है ईगो, जो है अहंकार। हम सबके अंदर ये जो अहंकार है, किस चीज के अहंकार है? ना हम कुछ लेकर आए थे इस दुनिया में, ना हम कुछ लेके जाएंगे इस दुनिया से। उसके बाद फियर, मतलब डर, अपने अंदर जो डर रहता है, किस बात के डर, किससे डरे, जबकि हर वक्त भगवान हमारे साथ है। सो बस सच के साथ चलिए और जिंदगी में कभी भी डरिए मत। उसके बाद आती है एंग्री, जो गुस्सा। आजकल के टाइम में शायद हर किसी की नाक में ही गुस्सा रहती है, जो गुस्से से अपने जो जिंदगी में जो इज्जत है, जो सम्मान है, ये सारे चीज खत्म हो जाती है। गुस्से से सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। उसके बाद आती है डाउट, जो कि संदेह। संदेह से क्या मिलती है हमें? कुछ भी नहीं। आजकल के टाइम में हर एक रिलेशनशिप में डाउट है, कहीं घर टूटता है, कहीं रिश्ता टूटता है, कहीं दिल भी टूटता है, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलती है हमें। उसके बाद आती है ईर्ष्या। ये ईर्ष्या की वजह से आदमी अपने आप की जो अस्तित्व है वो खो देता है। ये जो ईर्ष्या नाम की चीज है, इसकी वजह से आदमी को ये समझ में नहीं आती है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो सही को गलत समझता है और गलत को सही, ये ऐसा एक चीज है। उसके बाद आते हैं हेटेड, जो कि है घृणा। किसी भी इंसान को घृणा की नजर में कभी भी मत देखो, इससे बस कुछ नहीं होता है, खुद की इज्जत ही नीचे गिरती है और कुछ भी नहीं। उसके बाद आती है निराशा। निराशा एक ऐसी चीज है जो कि आदमी को धीरे 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 कर अंधेरा की तरफ ले जाता है, जहाँ पर सिर्फ सिर्फ अंधेरा है और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप अपनी अंदर आशा रखें तो वहाँ पर सिर्फ उजाला ही उजाला रहता है। चाहे हम कुछ बहुत सारे काम में नाकामयाब रहते हैं, लेकिन अंत में हम जरूर पास होते हैं। इसीलिए कभी भी अपनी लाइफ में निराश नहीं होना चाहिए, हर वक्त ये आशा रखना चाहिए कि कभी ना कभी मैं उस मकसद
जरूर पहुंचूंगी, आज नहीं तो क्या हुआ कल मैं जरूर पहुंचूंगी, यही सोच रखकर आगे जाना चाहिए। उसके बाद आती है उदास, दुख, जो कि सबकी जिंदगी में है। उदासी उदासी हमेशा आदमी को कमजोर कर देता है। दुख आती है, किसकी जिंदगी में नहीं आती, हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन कभी ना कभी तो ये दुख चले ही जाएंगे ना, अगर हम कोशिश करें तो। कोशिश करना चाहिए, ये दुख, ये जो उदास, ये सब जो हमारी जिंदगी में आई है, कैसे हम इस दुख से बाहर आए ये सोचना चाहिए, ताकि ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों ये दुख मेरी जिंदगी में आई है, क्यों क्यों ये दुख हमारी जिंदगी में आई है। अगर हम ये सोचते रहे ना तो अंदर ही अंदर हम टूट जाएंगे। इसीलिए कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, ठीक है दुख आई है तो हम इससे निपट लेंगे, ऐसे ही सोचना चाहिए। उसके बाद आती है लालच। लालच जो कि इंसान की इंसानियत को मार देती है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत ना रहे तो राक्षस बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज के लिए हमें लालच नहीं रखना चाहिए। उसके बाद आती है असंतोष। असंतोष एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को गलत राह पर ले जाती है। जब भी इंसान असंतोष रहता है हर वक्त, तब उसको कोई भी चीज सही नहीं लगती है, हर चीज उसको गलत ही लगती है, हर चीज, हर इंसान, सब कुछ उसको, चाहे वो ठीक भी हो लेकिन उसको गलत लगती है। इसी वजह से अपने आप को कभी भी असंतोष नहीं करना चाहिए, हमेशा शांति कायम रखना चाहिए अपने अंदर। उसके बाद आती है असंतोष। असंतोष एक ऐसा है जो कि इंसान को बहुत ही गलत राह दिखाती है, गलत रास्ते पे ले चलती है। कभी भी इंसान असंतोष रहती है तब उसको चाहे वो सही ही चीज क्यों ना हो उसको गलत लगने लगता है। हर वो इंसान उसके सामने जो भी है उसके सामने उसको गलत लगता है उसको। इसलिए अपने आप पर कभी भी असंतोष नहीं रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस दशहरा में हम प्रण लेते हैं, ये जो 10 बुराई है हम सबकी जिंदगी में, इस 10 बुराई को हम सब अपनी जिंदगी में से बाहर फेंकते हैं। हम सबकी जिंदगी को सिर्फ सुख और समृद्धि से भर देते हैं। तो देखा ना दोस्तों, जैसे कि मैं बोल रही थी कि दशहरा का मतलब ये जो 10 बुराई है हम सबकी जिंदगी में, ये 10 बुराई को अंत करना रहता है, यही है दशहरा सही मायने में अगर हम लोग देखें तो। आई होप सो आप सभी को ये जो मेरी दशहरा के लिए शुभकामनाएं थी, जो दशहरा की शुभकामनाएं देने की तरीका थी, आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल।